हाय फ्रेंड्स, आप फूडी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बनाऊंगी मैगी, जो बच्चों की बहुत ही फेवरेट होती है, सारे बच्चों को पसंद आती है। आइए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ सब्जियाँ कट करके रखी हुई हैं। आप अपनी पसंद के अनुसार इसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने सब्जियां बहुत सारी ऐड करी हैं, प्याज, लहसुन, मिर्ची, गाजर, शिमला मिर्च, मटर और टमाटर, आलू और एक इप्पी मैगी। गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। अब इसमें ऐड करेंगे लहसुन। गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे। ये देखिए लहसुन अच्छे से भुन गया है। अब इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज भी थोड़ा सा भुन गया है। अब इसमें मिर्ची ऐड कर देंगे, गाजर ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। अब इसमें आलू ऐड किया है। अब इनको भी अच्छे से भूंजेंगे। ये भुन गया है थोड़ा सा। अब इसको मटर ऐड करेंगे इसमें। टमाटर ऐड करेंगे। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। अब इसको ढक देंगे, थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। इसको मैंने 3 मिनट तक पकाया है। 3 मिनट में ये एकदम अच्छे से पक गया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैगी ऐड करेंगे। मैगी को मैंने थोड़ा सा तोड़ दिया है, आप चाहें तो बड़े टुकड़े भी रख सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे पानी।
मैंने 1 कप पानी ऐड किया है। आपको थोड़ा सा ज़्यादा सूप टाइप से रखना है, सूपी मैगी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी ऐड करें। अब इसमें ऐड कर देंगे जो मैगी मसाला है, पैकेट के साथ में होता है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसको थोड़ी देर पकने देंगे। ये देखिए मैंने इसको 2-3 मिनट तक पकाया है। अभी इसको थोड़ा सा अभी और हम पकाएंगे। ये देखिए मैगी बन के रेडी हो गई है। आप इसको एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इस तरीके से मैगी बनाकर एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।